हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तृप्तिस ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, ये कुछ दिन पहले का वीडियो है। हमने एक छोटा सा पपी रेस्क्यू किया था जिसको कि स्किन इन्फेक्शन हो गया है। आप देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा इचिंग कर रहा था। और ये छोटा सा एक गाय भी आ गया है हमारे पास, तो ये मैं उसको पत्ता वगैरह सब खिला रही थी गाइस। और उसको खिलाते खिलाते ये जो छोटा सा पपी उप चला गया। और ये देखिए, ये है कालू, काली, सेमी और मोटू, सब कोई आ गया है मेरे पास। और ये देखिए, मैं इंजेक्शन रेडी कर रही हूँ उस पपी को देने के लिए। उसको जो मेंज हो गया है वो बहुत ज़्यादा इची होता है गाइस, और बहुत ही पेनफुल। सो एक छोटा सा मैसेज और एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास में जो भी एनिमल्स हैं उनको अगर मेंज हो जाता है तो प्लीज़ थोड़ा सा डॉक्टर की मदद से उनको थोड़ा सा मेडिसिन खिला दे गाइस। और अगर आप इंजेक्शन लगा पाते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और आपका थोड़ा सा हेल्प किसी बेजुबान को बहुत ज़्यादा सुकून दे सकता है, क्योंकि ये जो इचीनेस होता है ना, ये मेंज होने के बाद ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है गाइस। वो इचिंग करते करते उनको उनका जो स्किन में घाव हो जाते हैं। और ये देखिए, तृप्ति गई उसको ढूंढने के लिए क्योंकि वो चला गया था दौड़ के। तो गाइस, पूनम और तृप्ति उसको ढूंढ रहे हैं और फाइनली वो हमें मिल गया। तो इसको खाना देते देते ये हम लोगों ने ढूंढ लिया और ये धीरे धीरे करके आ गया है। और ये देखिए, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है, ये हम उस पप्पी को 0.5 ml का देंगे। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए इन तक देखिएगा। और ये है हमारी चिटकी। चिटकी का भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था गाइस। उसका बाल भी नहीं था, देखिए ये ऐसे दिख रही थी, इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा उसको। ये लास्ट मंथ का उसका ये पिक है। और अभी देखिए कितनी सुंदर उसका जो बॉडी है, कितना सुंदर लग रहा है। उसके सारे हेयर ग्रो कर गए हैं गाइस। और अभी वो मेरे पास आ रही थी तो मैंने उसको भी इंजेक्शन लगा दिया, क्योंकि उसको एक महीने हम लोगों ने एक्चुअली थोड़ा सा गैप कर लिया। मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो आई वॉज टोल्ड बाय द डॉक्टर नॉट टू टच द एनिमल्स एंड पेट्स। सो मैं उसको नहीं छू रही थी। तो फाइनली मैं और मुझसे नहीं रहा गया गाइस, इन सबको बहुत इचिंग हो रहा है, तो मैं उसको ये इंजेक्शन लगा दी। उसको लगाने के बाद मैंने वो छोटा सा जो पॉपी था मैं उसको भी इंजेक्शन लगा दी। तो आप लोग अली हमें कुछ भी नहीं करती है। देखिए, मैंने इंजेक्शन दे दिया बिना उसका मुंह बांधे, कुछ भी नहीं की। ये हमारी क्यूट बेबी है, क्यूट बेबी चुटकी। इसको फेंक किया उसका कवर नीचे, बहुत दिन पर घर वाले लेके उसकी पूछी। और गाइस, ये जो छोटा सा पप्पी था उसको भी हमने इंजेक्शन लगा दिया है। ये पूनम और मैं दोनों मिलके लगा दिए। और ये देखिए, कुछ भी नहीं किया, ये ऐसे सो गया चुपचाप से और मैं उसको इंजेक्शन लगा दी। होप कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए गाइस। आप लोग भी प्रे करिए, क्योंकि ये बेजुबान है गाइस, ये बोल नहीं सकते हैं अपना दुख दर्द। बस हम इंसान ही समझ सकते हैं उनका दर्द। और आप लोग भी थोड़ा सा काइंड बनिए इन बेजुबानों के प्रति, क्योंकि इनका हमारे सिवा कोई भी नहीं है। प्लीज़ इन्हें थोड़ा सा खाना पानी ज़रूर दीजिएगा और उन्हें ढेर सारा प्यार करिएगा, क्योंकि ईश्वर इनमें भी होते हैं। क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि सर्विस टू मैनकाइंड इज़ सर्विस टू गॉड, और सर्विस टू एनिमल्स इज़ ऑल्सो सर्विस टू गॉड गाइज। भगवान सिर्फ मंदिरों मस्जिदों में नहीं होते हैं, भगवान तो हर प्राणी में होते हैं, और ये भी उनमें से एक हैं, ये भी ईश्वर के संतान हैं। तो इन्हें भी प्यार करिए गाइज, सबसे प्रेम करिए और सबकी सेवा करिए, एंड गॉड विल लव यू बैक। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।